तीर्थ नगरी वाराणसी में रथ यात्रा मेला काफी प्राचीन और प्रसिद्ध है। इस वर्ष भी रथ यात्रा मेला आज से शुरू होकर 4 जुलाई तक चलेगा। मेले की प्रसिद्धि के चलते रथ यात्रा मेला स्थल से जुड़े पूरे इलाके का नाम ही रथ यात्रा रखा गया है। पिछले 2 वर्षों से कोविड महामारी के कारण मेला आयोजित नहीं किया जा सका था। इस बार भगवान के दर्शन पाकर दर्शनार्थी काफी प्रसन्न हुए। रथ यात्रा मेले में प्रसाद स्वरूप बिकने वाली नान खटाई और तुलसी की माला भगवान को चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। भगवान जगन्नाथ की आरती देखने के भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। मान्यता है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा का वाराणसी में एक छोटा स्वरूप रथ यात्रा मेले के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर की स्थापना हुई है, संवत लिखा गया इस पर, तब से ये प्रारंभ है और आज तक चला आ रहा है। 2 साल कोरोना के कारण भगवान मंदिर में ही मनाया गया। इस बार भक्तों में बहुत उत्साह था और भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से भगवान को लेकर काशी भ्रमण के लिए यहाँ ले आए और भगवान सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। 2 सालों से कोविड की वजह से बहुत परेशान थी, बाबा का दर्शन नहीं हो पा रहा था और यह 2 सालों के बाद खुला है। हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है दर्शन करने का, तो इसलिए हम लोग बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं और यह बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम लोग दर्शन प्राप्त कर लिए और वो भी आरती के साथ। सर, ये रथ यात्रा का मेला बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराने चला आ रहा है ये रीति रिवाज, पर 2 साल से कोरोना के वजह से ये रथ यात्रा मेला बंद हो गया था। ये 2 साल के बाद तीसरी साल में ये आया हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि बाबा का फिर से दर्शन पूरे काशी वासियों को हुआ है।